दोस्तों, अगर आपने अपनी कार पर फास्टैग नहीं लगवाया तो हो जाएगा आपका चालान। 1 दिसंबर से नए रूल्स आ रहे हैं, तो जानते हैं क्या है फास्टैग और इसका फायदा क्या है और कैसे इसको यूज करना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत पाल और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ वी टेक्निकल विद सैंडी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, काफी टाइम पहले बनाया था, RFID टैग के बारे में। तो उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया था कि RFID टैग क्या चीज है। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से कि इसको रिचार्ज कैसे करना है और कैसे इससे हम टोल पे कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, RFID टैग इसलिए नहीं है, टोल प्लाजा पे वो यूज नहीं होता। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, RFID टैग जो है वो आपकी कार को स्कैन करने के लिए है। अगर कार चोरी हो जाती है तो कार कहाँ कहाँ गई, इस काम के लिए वो जो टैग है वो लगाया जाता है कार की विंडस्क्रीन के ऊपर, आपकी कार की भी विंडस्क्रीन के ऊपर लेफ्ट जो है टॉप पे जरूर लगा होगा। तो वो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा कि वो किस पर्पज के लिए होता है। तो फास्टैग पे आते हैं दोस्तों, अगर आपने फास्टैग नहीं लगाया तो आपकी गाड़ी का हो जाएगा चालान, पुलिस वाले नहीं करेंगे, लेकिन टोल प्लाजा पे आपका चालान होगा। मतलब जितना कि आपका टोल होगा उसका डबल आपको पे करना होगा। अगर सोचिए, अगर 100 रुपया अगर आपने टोल देना, टोल है वहाँ का, तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक्चुअली ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, फॉरेन में काफ़ी सालों से चल रही है, इंडिया में भी फास्टैग काफ़ी टाइम से चल रहा है। इसमें क्या होता है कि आपके गाड़ी पे एक फास्टैग लग जाता है एक स्टिकर की तरह, तो जब भी आप टोल प्लाजा पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका टोल होता है वो फास्टैग अकाउंट से आपका कट जाता है। ये एक मोबाइल अकाउंट की तरह ही, हम बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। तो आप जैसे मोबाइल में पैसे प्रीपेड करते हैं, पहले पैसे डालते हैं फिर फोन करते हैं, एग्जैक्टली फास्टैग में भी वैसे होता है कि आपने पहले उसमें पैसे डालने होते हैं और उसके बाद आपकी गाड़ी जो है निरंतर वहां से टोल प्लाजा से निकलती जाती है। रुकना तो ऑब्वियसली पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि जैसे ही आपकी गाड़ी स्कैन होगी तो वो जो है चार्जेस कट जाएंगे। अच्छा, दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आप अगर एक तरीके से पहले फास्टैग को अप्लाई करते हैं तो आपकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। गवर्नमेंट आपके लिए जो फीस है उसका तो वो पे करेगी, आपको सिर्फ 50 रुपीज सिक्योरिटी एंड 200 रुपीज उसका जो है मिनिमम बैलेंस जो है वो पे करना होगा। 250 रुपये में माफ कीजिएगा, 250 रुपये में आप फास्टैग को जो है खरीद सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, इसको खरीदना कहाँ से, इसको आप अमेजोन से या फिर पेटीएम से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, फास्टैग के बारे में इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लगवा लीजिए। अगर आपने नहीं लगवाया तो आपको डबल टोल जो है वो पे करना पड़ेगा। बेशक आप शायद ये सोचें कि आप टोल पॉइंट पे जाते नहीं हैं या आपके रास्ते में कोई टोल जो नाका नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों कभी ना कभी कार तो ऐसे एरिया में जाएगी जहाँ पर रोड पे टोल पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, आई होप आपको ये जानकारी यूजफुल होगी। अगर यूजफुल है आपके लिए तो इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।